अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट होप ऑल यू आर वेल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह डियर स्टूडेंट्स ये इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फर्स्ट चैंट है डियर स्टूडेंट्स आपको पता ही है कोविड की वजह से स्कूल्स बंद और हम घरों में बैठे हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं इन चीज़ों का ध्यान हमेशा याद रखना है जब तक कोविड की ये पैंडमिक बीमारी जो है इसमें दो गज़ की दूरी मास्क है ज़रूरी एक हमें सैनिटाइज भी करना है आपको वॉश करना है हैंड अपने वॉश करने हैं आपको दूर रहना है छः फुट कम से कम दूर रहना है ज़्यादा ज़रूरी जब होगा बाहर जाने के लिए तब जाएंगे पेरेंट्स जाएंगे आप नहीं जाएंगे जिनको ज़रूरी जाना होगा वही जाएंगे लेकिन सब नहीं जाएंगे अगर फादर जाता है तो मदर को घर में बैठना है अगर मदर जाती है तो फादर को घर में बैठना है तो जो भी बाहर जाएगा बड़े एहतियात के साथ जाएगा अपने हाथों को सैनिटाइज़ करेगा मास्क को इस्तेमाल करेगा और डिस्टेंस को हमेशा बरकरार रखेगा ताकि हम भी सही रहें और आ, बाकी लोग जो बाज़ार जाएंगे जो मार्केट में जाएंगे वो भी सही रहें डियर स्टूडेंट्स हमने लेटर साउंड्स भी पढ़े तो आज हम आगे जा रहे हैं वर्ड्स टुगेदर पे हम जा रहे हैं वर्ड्स टुगेदर यानी जो हमारे पास पहले लेटर्स थे उसके बाद वो वर्ड्स बने लेटर्स में हमने ए फार एप्पल बी फार बॉय सी पार कै डी फार ड एप्पल अ आ आ बी फार बॉय ये हमने पढ़ा उसके बाद हमने वर्ड्स पे पढ़ा वर्ड्स आपको दे, आपने देखा होगा ये वर्ड्स हमने पढ़े इसे में थोड़ा आपको दिखाऊंगा ये वर्ड्स हमने पढ़े ये एप्पल कार एग फॉर्मर हाँ ये वर्ड्स है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इंक पॉट चीज फ्रॉप तो आज हम आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी जो ये इंग्लिश की बुक है डियर स्टूडेंट्स हम पेज नंबर फिफ्टी पे है हमारा जो आज हम ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ए थ्री इसका हमें वर्ड्स टुगेदर इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम एक तो ए और एन एन का इस्तेमाल देखेंगे इसमें हम दिस दैट दीज दोज दिस दैट दीज दोज इसमें हम देखेंगे इन ऑन एंड अंडर यानी इन चीज़ों का हमें यहाँ सबक मिलेगा इसे हम सीखेंगे हमें दिस का इस्तेमाल होता है दैट का इस्तेमाल होता है दीज का इस्तेमाल होता है दोज़ का इस्तेमाल होता है इन का ऑन कहाँ अंडर कहाँ और साथ साथ में आई माई यू यू आर ही हिज शी हर दे एंड दियर डियर स्टूडेंट बहुत बहुत ही ध्यान से हमें इसको पढ़ना भी है बहुत ही ध्यान से इसको हमें देखना भी है ताकि आगे जो हमारे फिर क्लासेज आएंगे उसमें हमें बहुत आसानी होगी बहुत आसान होगा पिकअप करना हमें आसान होगा समझना साथ साथ में अपने बुक्स पे जो हम पढ़ रहे हैं उनको हम अपनी नोटबुक्स पर उतारें और हमें आसान होगा इनकी कैटेगरी बनाना हमें वॉवल्स के बारे में कंसोनेंट्स के बारे में ये सब क्लियर होगा तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स टुगेदर वर्ड्स टुगेदर में ए बॉल अ काव ए फ्लावर एन एरोप्लेन एन ऑक्स एन ईगल ए इज यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद ए कॉन्सोन साउंड बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद ए वॉवल साउंड डियर स्टूडेंट्स मैं आपको यहां बता रहा हूं आप थोड़ा ध्यान रखें आपको मैंने पहले ही बताया था ये हमारे पास ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हमने पढ़े हैं ठीक है जिसमें हमने या ए टू जी से जी तक पढ़ा है ठीक है इसमें कैपिटल लेटर्स भी हमने पढ़े हैं स्मॉल लेटर्स भी पढ़े हैं ठीक है थीके? तो इसमें हमने देखा ए ई आई ओ यू ये वन टू थ्री फोर फाइव ये फाइव जो है ये वाविल्स है क्या है उसके बाद टोटल लेटर्स हमारे पास ट्वेंटी सिक्स है जब हम इसको ट्वेंटी सिक्स को माइनस करेंगे फाइव तो हमारे पास बचेगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन हमारे पास कॉन्सोन है कॉन्सोनस में अगर हमारे पास ए है तो ये वॉवेल है बी हमारे पास यहाँ लिखूंगा मैं बी हमारे पास कॉन्सोनेंट है सी हमारे पास कॉन्सोनेंट डी हमारे पास कॉन्सोनेंट है ई हमने लिखा एफ कॉन्सोनेंट है जी कॉन्सोनेंट है एच कॉन्सोनेंट है अब आई हमारे पास वॉवेल है जे हमारे पास कॉन्सोनेंट है के हमारे पास कॉन्सोनेंट एल हमारे पास कॉन्सोनेंट एम हमारे पास कॉन्सोनेंट एन हमारे पास कॉन्सोनेंट ओ हमारे पास वॉवेल है एम एन ओ और यू भी हमारे पास वॉवल है वी हमारे पास कॉन्सोनेंट है वी के बाद डब्ल्यू वी एक्स एल एम एन ओ पी 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 एम एन ओ के बाद पी पी कॉन्सोनेंट क्यू कॉन्सोनेंट पी क्यू आर कॉन्सोनेंट एस कॉन्सोनेंट टी कॉन्सोनेंट यू हमें यहाँ है वी कॉन्सोनेंट डब्ल्यू कॉन्सोनेंट एक्स कॉन्सोनेंट वाई कॉन्सोनेंट और जी कॉन्सो जब हम इनकी काउंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स आप देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन यहाँ में पता चला ट्वेंटी वन जो है हमारे पास कॉन्सो नंटस है और वाविलस जो है वाविलस हमारे पास ए आई ओ यू तो हमें यहाँ बताया गया है जो वॉवल ए जो है वो सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद ए कॉन्सोन साउंड यानी कॉन्सोन साउंड जो है यहां आप देखोगे ये बी है तो बी जो हमारे पास है वो कॉन्सोनट साउंड है वो हमने यहां पढ़ा बी जो हमारे पास है वो कॉन्सोनट साउंड है तो ये ये वॉवेल है तो यहां हम देखेंगे कॉन्सोनटस ठीक है तो ये ट्वेंटी वन जो है इसमें साउंड जो है ब की साउंड है इसमें क की साउंड है इसमें फो जो हमने पहले लेटर साउंड तो यहां जहां भी आप नाउन देखोगे नाउन आपको पता है नेमिंग वूर्ड। नेमिंग वर्ड वर्ड से पहले आप क्या देखोगे इसमें ए लगता है ए लगता है ए फ्लावर ए बोर ए, बो, ए, ए एरोप्लेन यहां लगा तो एन एरोप्लेन हमने यहां इसलिए किया यहां एन आया तो यहां बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद विदिल वर्ड तो यहां वाविल वर्ड जो है ए आ गया एरोप्लेन एरोप्लेन जो है वावल से शुरू हुआ है तो यहां हमने देखा वाविल वर्ड जो है ए ई आई ओ यू जो ए ई आई ओ यू है ये वाविल है तो यहां एरोप्लेन जो है वावल से शुरू हुआ है ऑक्स जो है वावल से शुरू हुआ है ईगल जो है वावल से शुरू हुआ है तो यहां में इस चीज को याद रखना है ये ईगल जो है एरोप्लेन जो है ये ऑक्स जो है इनको एन लगेगा बॉल काउ और फ्लावर इनको ए लगेगा तो हमें यहां याद रखना है एग किसको लगता है सिंगुलर नाउन विद ए कॉन्सोन साउंड एन किसको लगता है सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद ए वॉवेल साउंड ठीक है डियर स्टूडेंट्स आगे थोड़ा मैं चलूंगा यहां पे आप देखें ए हाउस एन इंसेक्ट तो ए हाउस का मतलब एच है का मतलब ये कॉन्सोनेट है आई का ये sound है तो एन लगेगा ये जोकर है, इसको एन लगा, एन अम्ब्रेला, इसमें अ आवाज अम्ब्रेला, यू यू को खुद आवाज नहीं यू की साउंड को हमें देखना है में यूनिफॉर्म भी अगर आप लिखोगे उसको ए नहीं यहां साउंड अड जो निकलता है अम्बरेला अम्बरेला तो यहां भी हमने एन लगाया तो फिर आगे हम इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे ए और एन को ब्लैक जो ब्लैक प्लेसेस हमारे पास है इसको हमको देखना है ए किस में लगेगा और एन किस में लगेगा ठीक है इंशाल्लाह तो आप फिर इसको वर्ड्स टुगेदर जो है इसको आप देखें इंशाल्लाह आपको और ज्यादा फायदा आएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह कल आगे और आगे चलेंगे आप इसको करें बुक पे भी उतारें नोटबुक पर भी उतारें जो ये बुक है आपको इसमें आपको ये जो यहाँ एन एप्पल यहाँ बेबी है तो ये ब है ये ए लगेगा तो इसमें आप उतारें इसमें देखिए फिर आप नोटबुक में भी उतारें अल्लाकम वरम